आइए हम लोग बात करते हैं एज लिमिटेशन फॉर लोको पायलट एग्जामिनेशन इन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में आपका एज लिमिटेशन आपका क्या होना चाहिए, आपका एज जो है कितना से कितना के बीच होना चाहिए। तो अब आपको पता है भारत में जो लोग हैं अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे आरक्षण व्यवस्था की गई है। तो अब देखिए इस आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत में जो विद्यार्थियों को जो है वो जनरल है, उसका फिर देखिए ओबीसी है, ये सभी की एज अलग अलग होती है। फिर देखिए एससी या फिर एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होती है। इसके अलावा आपको एक्स सर्विस मैन होती है। इन लोगों की आपका एज जो मैक्सिमम है कम से कम तो एज है 18 साल, कम से कम आपका 18 साल एज होना चाहिए। 18 साल से कम का आप लोगों पर नहीं बन पाएगा, आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए फॉर्म निकलते समय तक का। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल वालों के लिए है मैक्सिमम 30 साल के लिए, ओबीसी वालों के लिए है इसमें 3 साल की छूट मिलती है यानी कि 33 साल, और एससी और एसटी दोनों के लिए मैक्सिमम जो एज है वो है 35 ईयर। और मैं आपको एक्स सर्विसमैन के लिए बता दूं, जो लोग एक्स सर्विसमैन से आते हैं उसके लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपका मैक्सिमम जो एज है वो आपका 40 साल जनरल वालों के लिए है, फिर 43 हो गया ओबीसी और 45 हो गया एससी और एसटी। ये आपका लोको पायलट का एज लिमिटेशन फॉर ऑल कैटेगरीज स्टूडेंट्स और पीपल इन इंडिया। ठीक है, जनरल ओबीसी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ये सब चीजें, ये चीज हो सकता है। अभी मैंने सुना है कुछ दिन पहले कि नई वैकेंसी जो भी आएगी उसमें 3 साल का और इजाफा किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी ऐसा नियम बना नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है आने वाला समय में वो इसका 33 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, सब में 3 साल बढ़ जाएगी। तो ऐसा अभी नियम बना नहीं है, इस पे काम चल रही है, जैसे आती है अपडेट मैं आपको बता दूंगा।